अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट टू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें हम आज देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखें, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनके हम जो है दो ग्रुप, बड़े ग्रुप्स बना देते हैं। एक हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक को बोल देते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम स्टडी करेंगे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनके मुतल्लिक एक टाइम था कि तब बोला जाता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं। मतलब बहुत अरसा ये बात चलती रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंसान तो खुद बना ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नेचुरल होते हैं, तो उन्हीं से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं, जैसे यूरिया जो यूरिन से, मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। तो इट मीन्स कि हम अपने तौर पर इसे जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो मतलब ये कहना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं, दिस इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। कुछ टाइम गुजरा तो एक जर्मन केमिस्ट एक्सपर्ट था, जर्मन केमिस्ट, जाहिर है वो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट था, तो वुलर के नाम से था। इसने ऐसा किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसने अमोनियम साइनेट, उससे इसने एक जो केमिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, इसने तैयार किया, जो कि इसने लेबॉरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इसने वहाँ पर जो है जो मटेरियल यूज़ किया, इसने ऑर्गेनिक नहीं बल्कि कार्बन, जो अमोनियम साइनेट इसने यूज़ किया। अमोनियम साइनेट की मदद से इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया बनाया। अब अमोनियम साइनेट जो है, ये जो हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि नॉन लिविंग है। तो इट मीन्स कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी हमारी पहले चल रही थी, जो जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर था, इसने उसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये बात तकरीबन जो है इसके बाद फाइनलाइज हो गई। आगे चलते चलते ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतल्लिक एक बात आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब सवाल था कि होते क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतल्लिक। भी ऐसे मतलब कंपाउंड्स जिनमें एसेंशियल है कार्बन, जिनमें कार्बन एसेंशियल है उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक हैं। तो जिनमें कार्बन नहीं है हम उन्हें इनऑर्गेनिक बोल देते। इस पर काफ़ी अरसा तकरीबन जो वर्किंग होती चली गई। फिर क्या हुआ कि इस पर जब लोगों ने इस पर स्टडी किया तो पता चला कि CO, CO2, CO3, कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बोनेट में भी कार्बन है, लेकिन ये वाले कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक नहीं है। इससे पता चला कि कार्बन की बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मतलब ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा, यानी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से, फिर कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन फिर आ गई।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन 7 बिलियन के लगभग अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो डिस्कवर हो चुके, 7 बिलियन। चलिए अब हम ना अब हम यहाँ पर इसकी फीचर्स देखते हैं। तो उसकी फीचर्स में सबसे पहला नंबर आता है पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है, कार्बन की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब तक देखें तकरीबन 7 बिलियन के लगभग जो है कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो अब तक जो हमारे सामने आ चुके हैं, जो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब कार्बन का जो बिहेवियर है वो ज़बरदस्त है, पेक्यूलियर मतलब बहुत इसकी। देखिए कार्बन अपने बिहेवियर में ये 4 बॉन्ड रखती है, कार्बन अपने कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाती है और ये बॉन्ड इसका लॉन्ग चेन की फॉर्म में चला जाता है। कार्बन अपने साथ कुछ ग्रुप्स भी अटैच कर लेती है, कार्बन अपने साथ जो टर्मिनल्स पे ब्रांच और लॉन्ग चेन में चले जाते हैं। इससे कार्बन के मुख्तलिफ प्लेसेस पे जब कभी कोई रिएक्शन होना होता है तो मुख्तलिफ प्लेसेस के बॉन्ड ब्रेक भी हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ प्लेसेस पे नए ग्रुप लगने से नई फॉर्म्स भी बन जाती हैं। तो इस लिहाज से कार्बन में एक वर्स्ट जो वर्स्ट लाइफ है कि हम कह सकते हैं कि कार्बन इस टाइम अगर देखा जाए तो बाकी कंपाउंड्स, बाकी एलिमेंट्स की निस्बत सबसे बेस्ट बिहेवियर कार्बन का है मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाने में। दूसरा जी नॉन आयोनिक, कार्बन जो है कार्बन आयोनिक नहीं है, क्योंकि आयोनिक में जैसे हमने देखा कि सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव है, क्लोराइड है इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इस तरह से मतलब ये आयोनिक नहीं है, ये कोवेलेंट ही बॉन्ड बनाता है। जितने भी यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं और इवन इनके साथ अगर हाइड्रोजन भी अटैच होती तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही है, तो इट मीन्स कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट है तो इसकी जो कम इसका जो आगे से कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो भी कोवेलेंट ही होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक वीक कंपाउंड भी है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट की निस्बत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर थर्ड पे स्लो रिएक्शंस। अगर हम इसे कभी इसकी रिएक्टिविटी हम देखें, हम डिफरेंट प्लेसेस पे जब कार्बन रिएक्ट करती है तो ये कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनका रिएक्शन स्लो होता है, यानी दूसरे आयोनिक की निस्बत रिएक्शन स्लो है। तो मीन कि हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो स्लो हैं। सॉल्युबिलिटी ये है कि इनके लिए जाहिर है ये कोवेलेंट हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही कोवेलेंट सॉल्वेंट में ही जो है वो डिसॉल्व भी होंगे, कोवेलेंट सॉल्वेंट ही इनको अपने अंदर जो है वो सॉल्व करेगा। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, जैसे पेट्रोल में सॉल्व हो सकते हैं, बेंजीन में हो सकते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड ही है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इनका लॉन्ग चेन भी है, ये लॉन्ग चेन भी है, ये ब्रांच्ड भी होते हैं। दूसरा ये साइकिल में भी होते हैं, साइक्लिक, ये बेंजीन फॉर्म में भी होते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वैरायटी की वजह से हम इनको नाम कॉम्प्लेक्सिटी का दे देते हैं, यानी इसमें डिफरेंट रेंजेस हमें मिलती हैं, थाउजेंड्स मिलियंस की रेंजेस, बिलियंस तक की रेंजेस हमें मिलती हैं। दूसरी चीज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, चूँकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन है तो इसमें कुछ इनमें से बहुत सारे ब्रांच हैं, कुछ इनमें साइक्लिक हैं, तो कुछ एरोमेटिक्स हैं। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि सपोज एक 2 कार्बन कंपाउंड है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इस तरह से जब हम इनको
एक दूसरे के साथ मिला के स्टडी करते हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस इनमें देखने में आती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से कि इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और हमारे लिए स्टडी में फैसिलिटेटेड हैं ये, इसलिए कि हमारे लिए इन्हें पढ़ना भी ईजी है कि चूँकि थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस से दूसरे कंपाउंड फिर उससे नेक्स्ट कंपाउंड फिर उससे नेक्स्ट कंपाउंड, इट मीन्स कि इनके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आइसोमेरिज्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज है। जब स्ट्रक्चरल चेंज है तो फिर उनकी फिजिकल एंड केमिकल, यानी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज है तो इस तरह से फिर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, इसलिए फिर हम इन्हें बोलेंगे कि ये आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो भी इनमें पाई जाती है। सोर्स के मुतालिक हमारा यहाँ पे इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी है, इनका सोर्स क्या है, हम इन्हें कहाँ से हासिल करते हैं, इसके मुतालिक कहा जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बहुत अरसा पहले की बात है। इसके मुतालिक यह कहा जाता है कि पॉसिबिलिटी है, जाहिर से बात है कि ये हमारा गैस ही होगा, साइंटिस्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंटिस्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट की मैचिंग्स हैं, कुछ ओल्ड साइंटिस्ट हैं उनकी कुछ बातें हैं, वो एक्सपीरियंसेस को हम आज के साइंटिस्ट से मैचिंग करते हैं और उसके बाद हमने इसके मुतालिक एस्टिमेशंस बनाए हैं। 500 मिलियन ईयर्स अगो, वहाँ से अगर मतलब हम कहते कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरीड हो गए, मतलब जो डिकेइंग प्लांट्स एंड डिकेइंग एनिमल्स अंडर द अर्थ, यानी यहाँ ज़मीन में जो दब गए हैं उनके नीचे रहने से मे बी उन पर प्रेशर है, ज़मीन के अंदर टेम्परेचर है, ज़मीन के अंदर वाटर है, ज़मीन के अंदर मतलब अगर हम देखें तो एयर तो यहाँ है तो नीचे एब्सेंस ऑफ एयर है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग टाइम है, तो इस लॉन्ग टाइम में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, इन तमाम चीज़ों के सबके मिलने से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वाटर है अंडर द अर्थ एंड एब्सेंस ऑफ एयर है एंड टेम्परेचर है प्रेशर है, इसके नतीजे में ये जो डिकेइंग प्लांट्स इन एनिमल्स हैं, तो अगर हम जस्ट प्लांट्स को देखें तो ये कोल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इससे ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप समझ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये इसकी चंद एक पेक्यूलियर नेचर्स ऑफ कार्बन थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन का देखेंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़िए। अच्छा बेटा, आपने हमारी वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद हमें जो अपना हमारी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करिए, अगर कोई इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको समझ ना आए हों तो उस पर भी हमें कमेंट करिए, हम इंशाल्लाह आपकी वो तमाम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको देखने के बाद हम मज़ीद उनके सॉल्यूशन के लिए मज़ीद अपनी वीडियो बना के तो अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको अनेबल करिए ताकि जो भी हमारी नई से नई वीडियोज़ आए वो आपको अपडेट उनकी मिलती रहे और हमारा आप लोगों से एक ताल्लुक रहे। तो इसके लिए जो हमारा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।